हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज मेरे इस वीडियो में। आज मैं जा रहा हूँ रॉबर्सकेव, आप इसे गुच्चू पानी के नाम से भी जानते होंगे। ये देहरादून में स्थित है और आप अभी देख सकते हैं कि मैं अभी दिलाराम चौक पे हूँ। तो चलिए चलते हैं और थोड़े दूर चलते हैं। ये देख सकते हैं मैं अभी आ चुका हूँ नीकॉन टॉर्नमेंट रोड पर। यहाँ पर CM निवास भी है और ये कैंट एरिया है। और ये जहाँ तक CM निवास और कैंट एरिया आता है वहाँ तक आपको ये रोड बहुत ही अच्छी मिलेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये VIP एरिया ख़त्म होती है आपको ख़राब रोड मिलना चालू हो जाएगा, आप इस वीडियो में आगे देखेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैं आ चुका हूँ रॉबर्सकेव में, देख सकते हैं यहाँ पर वेलकम टू GuchhuPani रॉबर्सकेव का गेट है। और उसी के राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे टिकट काउंटर है। यहाँ पे टिकट पर व्यक्ति है 25 रुपीज़ और 4 साल से छोटे बच्चों का टिकट नहीं लगेगा। When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye. Grow feathers and see this too. और ये जो सामने आप एंट्रेंस देख रहे हैं ये है गुफा का एंट्रेंस, मतलब लुटेरे को गुफा का एंट्रेंस कहा जा सकता है। और उससे बहता हुआ पानी, यहाँ पे कुछ दुकानें भी हैं। यहाँ पे आपको स्नैक्स, कपड़े अगर बदलने हैं तो स्लीपर्स वगैरह चाहिए तो आप ले सकते हैं। और ये पानी छिछला है। यहाँ आपको पहाड़ों की बहुत ही अजीब सी संरचनाएँ देखने को मिलेंगी। दोनों तरफ पहाड़ हैं और बीच में बहता हुआ ये पानी। और ये जो पानी आ रही है वो पहाड़ों से रिसा हुआ पानी आ रही है, मतलब बारिश जब होती है तो वही पानी इधर से आती है। तो जब बारिश होती है उस समय ये फ्लो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे थोड़ी सी चिंता करने वाली बात हो जाती है। वहाँ पे थोड़ी ढंग से इसके अंदर जाएं, क्योंकि कभी कभी आपके कमर तक भी पानी हो सकती है, आप इसमें बह भी सकते हो। और जैसा कि आप देख सकते हैं पहाड़ों के बगल से ही ये पानी रिस कर आ रहा है, आप यहाँ पर लाइव भी देख सकते हैं। अभी यहाँ थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी, तो आप देख सकते हैं पहाड़ों के अंदर से पानी रिसकर इसमें गिर रहा है। और ऐसी बहुत सी जगह आपको दिखेगी कि पहाड़ों के अंदर से पानी गिर रहा है इस फ्लो में। और आप इस वीडियो का मज़ा लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें।